नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा चर्चा का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। छात्रों, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से हुई, राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, तथा जो फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत हुई, और जो छात्रों फ्रांस की क्रांति के बाद में जो फ्रांस का जो अगला जो शासक बनता है वो शासक कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने छात्रों संपूर्ण यूरोपियन जो महाशक्तियां थी उन महाशक्तियों को पराजित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली तथा फ्रांस को यूरोप में सबसे शक्तिशाली इसने बनाया। तो छात्रों, नेपोलियन बोनापार्ट के कार्य क्या थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस प्रश्न में, तथा नेपोलियन बोनापार्ट का जो परिचय है उसकी चर्चा करेंगे, उसके नेपोलियन बोनापार्ट के जो इतना शक्तिशाली योद्धा होते हुए, महान योद्धा होते हुए भी उसका पतन क्यों हुआ, उस पतन के कारणों की चर्चा करेंगे, तथा नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो विकास कार्य फ्रांस के अंदर करवाए गए, जो फ्रांस का डेवलपमेंट किया गया उसके बारे में हम इस प्रश्न में चर्चा करेंगे। तो छात्रों, सबसे पहले हम नेपोलियन बोनापार्ट का जो जीवन परिचय देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक साधारण व्यक्ति से उठकर और एक फ्रांस के सम्राट, फ्रांस का जो सम्राट का पद उसने प्राप्त किया। तो छात्रों, जो नेपोलियन बोनापार्ट है, जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी, जन्म स्थान, कोर्सी का द्वीप, पिता कार्लो बोनापार्ट, माता लेटी जिया, शिक्षा दुनिया के सैनिक स्कूल, ब्रिया के सैनिक स्कूल, पेरिस के सैनिक स्कूल, ब्रियन के सैनिक स्कूल, पेरिस के सैनिक स्कूल, सैनिक सेवा मतलब सेना में कब भर्ती हुआ, ये 1785 ईस्वी, पद लेफ्टिनेंट के पद पे छात्रों ये जो भर्ती हुआ। सैनिक अभियान, तूलों का घेरा, युद्ध, विवाह, विवाह 9 मार्च 1796 ईस्वी, 1796 ईस्वी, पत्नी जोसेफाइन बोहारनेस,
विजय अभियान विजय अभियान, पीरामन युद्ध, सत्रह सौ अट्ठानवे ईस्वी मिस्र की राजधानी काहिरा पर विजय। सीरिया विजय 1799 ईस्वी सीरिया विजय 1799 ईस्वी राज्य अभिषेक राज्याभिषेक में पॉप का मौजूद होना। जनता द्वारा इसे राजा स्वीकारना। राज्याभिषेक कहाँ हुआ? नोत्रेदामा चर्च में, नोत्रेदामे चर्च। 2 दिसंबर 1804 छात्रों, इस प्रकार से जो नेपोलियन बोनापार्ट के जो परिचय है, जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। जन्म कब हुआ छात्रों? 15 अगस्त 1769 छात्रों कब हुआ? 15 अगस्त 1779 15 अगस्त 1769 छात्रों जन्म कब हो रहा है इसका? 15 अगस्त 1769 में इसका जन्म हो रहा है। जन्म स्थान है कोर्सिका द्वीप छात्रों जन्म स्थान कौन सा है? कोर्सिका द्वीप। इसका पिता का नाम क्या है? कार्लो बोनापार्ट। माता का नाम लेटिजिया। माता का नाम क्या छात्रों? लेटिजिया। और जो इसने शिक्षा प्राप्त की वो कहाँ से किए? ब्रियेना सैनिक स्कूल से प्राप्त की है। ब्रियेना सैनिक स्कूल कहाँ है? और पेरिस के सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है छात्रों। जो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा जो शिक्षा प्राप्त की गई ब्रियेना के सैनिक स्कूल तथा पेरिस के सैनिक स्कूल से शिक्षा इसने प्राप्त की छात्रों। इसका जन्म कब हो रहा है इसका? 15 अगस्त 1769 को जन्म होता है। जन्म स्थान है कोर्सिका द्वीप। पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट। माता का नाम है लेटिजिया तथा शिक्षा इसने प्राप्त की है ब्रियेन जो विद्यालय है जो सैनिक स्कूल है वहाँ से शिक्षा प्राप्त की तथा पेरिस के अंदर जो सैनिक स्कूल है वहाँ से ये क्या कर रहा है छात्रों? शिक्षा प्राप्त कर रहा है अर्थात सैनिक शिक्षा इसने प्राप्त की। प्रारंभ से ही ये एक सैनिक बनना चाहता था, एक सेना में अफसर बनना चाहता था ये तथा जब सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब ये वहाँ से इस अपनी शिक्षा पूर्ण की इसने तब वहाँ से निकला तो ये इसने 1785 ईस्वी में ये सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर जो नेपोलियन बोनापार्ट है लेफ्टिनेंट पद पर ये पद स्थापित होता है। इसे लेफ्टिनेंट बनाया जाता है। लेफ्टिनेंट बना के होने के बाद में इसकी योग्यता को देखते हुए जो इसे सैनिक अभियान में भेजा जाता है। तूलों का घेरा जो युद्ध है, तूलों का घेरे का युद्ध होता है। इस तूलों के घेरे के युद्ध में ये अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करता है, अद्भुत वीरता दिखाता है तथा
इसके बाद में ये लगातार विजय प्राप्त करता रहता है। तो छात्रों जो इसका जो इस तूले के घेरे में विजय प्राप्त करता है, तूले के घेरे के अभियान में, उसके बाद में इसका विवाह होता है 9 मार्च 1796 ईस्वी को इसका विवाह होता है किसे, जोसेफाइंस बोहारनेस, इसकी पत्नी का नाम है जोसेफाइंस बोहारनेस। क्या है छात्रों इसकी पत्नी का नाम? जोसेफाइंस बोहारनेस। 9 मार्च 1796 ईस्वी को जोसेफाइंस बोहारनेस से इसका विवाह होता है। और छात्रों नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है कि अपने विजय अभियान पर निकलता है, सैनिक अभियान में तूलो को घेरे गए युद्ध में इसने विजय प्राप्त की, अद्भुत जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया है। इसके बाद में इसका विजय अभियान है छात्रों 1798 ईस्वी, कब छात्रों इसका जो 1798 ईस्वी में मिस्र की राजधानी काहिरा पर आक्रमण करता है, किस कहां पर आक्रमण करता है छात्रों? मिस्र की राजधानी काहिरा पर आक्रमण करता है, तथा मिस्र की राजधानी काहिरा को पर आक्रमण करके ये विजय प्राप्त कर लेता है। तो मिस्र पे जो इसने आक्रमण किया छात्रों वो कौन सा युद्ध कहलाया? वो पिरामिडों का युद्ध कहलाया। कौन सा युद्ध कहलाया छात्रों? पिरामिडों का युद्ध कहलाया, पिरामिड युद्ध। पिरामिड युद्ध में इसने मिस्र की राजधानी काहिरा पर अधिकार किया। इसके बाद छात्रों जो सीरिया पर आक्रमण करता है तथा 1799 ईस्वी में सीरिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। 1799 ईस्वी में छात्रों कहां प्राप्त करता है विजय? सीरिया पर विजय प्राप्त करता है। तो इसकी दो प्रमुख विजय है, प्रथम राज्याभिषेक अर्थात राजा बनने से पहले इसने दो प्रमुख विजय की, वो कौन सी थी? पिरामिड युद्ध पर विजय की, मिस्र की राजधानी काहिरा पर कब्जा किया 1798 में, और 1799 में सीरिया पर इसने विजय प्राप्त की। इसके बाद छात्रों 2 दिसंबर 1804 को ये फ्रांस का सम्राट बन जाता है। फ्रांस की जो ये राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाता है, फ्रांस में जो लचर प्रशासनिक व्यवस्था है तथा कानून व्यवस्था, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, इसका ये फायदा उठाता है तथा ये अब 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को फ्रांस का सम्राट घोषित हो जाता है। अपना जो राज्याभिषेक होता है वो ये नोत्रे दामे चर्च, कौन सा चर्च है छात्रों? नोत्रे दामे चर्च में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। जनता इसका जोरदार स्वागत करती है, जनता इसका विरोध नहीं करती है, क्यों? क्योंकि जनता को भी एक मजबूत शासक की आवश्यकता है। यूरोप में जो फ्रांस की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था ये डगमगा रही है, तथा यूरोपियन जो अन्य देश है फ्रांस पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता को भी अब एक मजबूत शासक की आवश्यकता है, और वो शासक उन्हें 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में मिल जाता है। तो छात्रों 2 दिसंबर 1804 को नोत्रे दामे चर्च में ये अपना राज्याभिषेक कराता है, जनता इसका जोरदार स्वागत करती है, तथा इस जो राज्याभिषेक में जो पोप था, ईसाइयों का धर्मगुरु, वो भी मौजूद था, उसने भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, उसने भी नेपोलियन बोनापार्ट को सम्राट स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सैनिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद में 1785 में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त होता है। उसके बाद तूलो के घेरों के युद्ध में अद्भुत वीरता का परिचय देता है, पिरामिड के युद्ध में मिस्र को पराजित करता है, तथा 1799 में ये जो सीरिया पर भी अधिकार कर लेता है, और 2 दिसंबर 1804 को फ्रांस का ये राजा बन जाता है। छात्रों इस प्रकार से इसने क्या किया कि अपना विजय अभियान जारी रखा, और विजय अभियान जारी रखने के बाद में इसने लगातार पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और लगातार इसने जो यूरोप में विजय ये करता रहा। तो इसका जो विजय अभियान में अगला जो युद्ध होता है छात्रों 1805 ईस्वी में ऑस्टरलिज का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? ऑस्टरलिज का युद्ध, ऑस्टरलिज का युद्ध होता है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में इस युद्ध में जो ये रूस तथा ऑस्ट्रिया की सेना को, रूस तथा ऑस्ट्रिया की सेना को ये पराजित कर देता है। इसके बाद में छात्रों जर्मनी पर आक्रमण करता है 25 अक्टूबर 1806 जर्मनी पर आक्रमण 25 अक्टूबर 1806 ईस्वी में जर्मनी की राजधानी
बर्लिन पर कब्जा कर लेता है, बर्लिन जर्मनी पर आक्रमण करता है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर ये कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये विजय प्राप्त करता है। इसके बाद में मेरिगो के युद्ध में 1818 में मेरिगो का युद्ध होता है, मेरिगो युद्ध 1808 ईस्वी में मेरिगो का युद्ध होता है और इस युद्ध में रूस को पराजित कर देता है, रूस को। तो इस प्रकार से छात्रों ये क्या करता है कि पिरामिड के युद्ध में मिस्र को पराजित कर देता है, 1799 में सीरिया को ये पराजित कर देता है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया तथा रूस की संयुक्त सेना को पराजित करता है, बाद में जर्मनी पर आक्रमण करता है जिसमें 25 अक्टूबर 1806 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर ये कब्जा कर लेता है, और मेरिगो का युद्ध 1808 में लड़ता है और उसमें ये रूस को पराजित कर देता है। इस प्रकार से संपूर्ण यूरोप में ये क्या होता है, फ्रांस को सर्वशक्तिमान सबसे शक्तिशाली देश बना देता है। तो यूरोपियन जो सभी देश थे उन सभी देशों को ये एक बार पराजित कर देता है और सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बन जाता है, सबसे शक्तिशाली देश जो फ्रांस बन जाता है। नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी महाशक्ति है तथा फ्रांस ने रूस ऑस्ट्रिया जर्मनी जैसी महाशक्तियों को पराजित किया है तथा मिस्र तथा सीरिया के जो देश हैं इन देशों को भी इसने पराजित किया। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये फ्रांस अद्भुत प्रगति करता है, परंतु छात्रों नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना भी करना पड़ता है। लगातार वो अपनी युद्धों से उसने 40 युद्ध लड़े और 40 में उसने विजय प्राप्त की, परंतु इन युद्धों में उसने वो अति उत्साहित हो गया और उसने अपनी नौसेना की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए भी उसे पराजय का सामना करना पड़ा। और छात्रों इसे जो पराजय का सामना करना पड़ रहा है, प्रथम जो इसकी पराजय अर्थात वो पराजय लिपजिंग युद्ध, कौन सा युद्ध छात्रों, नेपोलियन को पराजय का सामना किस युद्ध में करना पड़ रहा है, लिपजिंग युद्ध। इस युद्ध को छात्रों लाइपजिग के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 1813 ईस्वी में रूस प्रसाद ऑस्ट्रिया तो छात्रों क्या हुआ इसके अंदर कि जो लिपजिग का युद्ध है इसमें अक्टूबर 1813 ईस्वी में रूस प्रसा तथा ऑस्ट्रिया इन तीनों देशों ने एक संघ बनाया। ये संघ बना और इसने क्या किया कि नेपोलियन को पराजित कर दिया राइन नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया छात्रों, राइन नदी, न्यूटेट में पूछा जाता है राइन नदी के बारे में, तो राइन नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ छात्रों, इस युद्ध में नेपोलियन को बंदी बना लिया गया, नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। ये जो युद्ध हुआ छात्रों ये राष्ट्रों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रों का युद्ध। और ये युद्ध चार दिन तक चला ये युद्ध, और नेपोलियन को एल्बा द्वीप में भेज दिया गया, एल्बा द्वीप नेपोलियन को बंदी बना दिया गया छात्रों, तो नेपोलियन को एल्बा द्वीप भेज दिया गया। और फ्रांस का जो शासक बुर्बो वंश का लुई अठारवा बना, नेपोलियन की सम्राट की पदवी नहीं छीनी गई इस युद्ध में। छात्रों जो नेपोलियन लगातार विजय प्राप्त कर रहा था, पिरामिडों के युद्ध में मिस्र को पराजित किया
तथा सीरिया को पराजित किया, ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में रूस तथा ऑस्ट्रिया को पराजित किया, मेरिगो के युद्ध में इसने रूस को पराजित किया, जर्मनी को पराजित करके उसकी राजधानी बर्लिन पर इसने अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से छात्रों ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, परंतु इसे अक्टूबर 1813 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट को अक्टूबर 1813 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा। छात्रों इसमें जो लिपजिंग का युद्ध है, अर्थात लिपजिंग के युद्ध को लाइपजिंग युद्ध भी कहा जाता है, लिपजिंग के युद्ध को लाइपजिंग युद्ध भी कहा जाता है। छात्रों इस युद्ध में रूस ऑस्ट्रिया तथा प्रसा, यूरोप के जो देश हैं रूस ऑस्ट्रिया तथा प्रसा, इन देशों ने अपना एक संघ बनाया और संघ बनाकर अक्टूबर 1813 पर 13 में नेपोलियन पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ, 4 दिन तक लगातार युद्ध चला। इस युद्ध को राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर एल्बा द्वीप में भेज दिया जाता है, और इसकी सम्राट की जो पदवी वो छीनी नहीं जाती है, इसे एल्बा द्वीप में छोड़ दिया जाता है, अर्थात एल्बा द्वीप का यह शासक बन जाता है, केवल उस द्वीप पर ही इसका राज्य है। इसके जो छात्रों युद्ध लड़ा गया ये राइन नदी के तट पर लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, राइन नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रकार से छात्रों नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना करना पड़ा, और जो राष्ट्रों के युद्ध में जो रूस प्रसार राष्ट्रीय विजय हो गए, और इन्होंने क्या किया, लुई 18वां बुर्बो वंश का जो शासक था, जो अगला शासक बनाया फ्रांस का, इन्होंने बुर्बो वंश के लुई 18वां को शासक बनाया। इस प्रकार से छात्रों जो इसे नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद में छात्रों नेपोलियन पराजित तो हो गया, लेकिन नेपोलियन का फ्रांस का शासक बनना, पराजित होने के बाद में भी इसने हताश नहीं हुआ, इसने कोशिश जारी रखी और लगातार प्रयत्नों के बाद में एक बार पुनः फ्रांस का शासक बनना। नेपोलियन बोनापार्ट का छात्रों ये पुनः क्या हुआ, फ्रांस का शासक बना। फरवरी 1815 ईस्वी में एल्बा द्वीप से भाग गया ये, एल्बा द्वीप से भागकर पेरिस पहुंचा। छात्रों जो ये नेपोलियन है ये हार मानने वाला नहीं था, अत्यंत ही महत्वाकांक्षी शासक था ये। इसने क्या किया कि 18 फरवरी 1815 में ये एल्बा द्वीप से ये भाग गया, एल्बा द्वीप से भाग कर ये पेरिस पहुंचा, और पेरिस की जनता ने इसका क्या किया, जोरदार स्वागत किया, पेरिस की जनता द्वारा इसका स्वागत किया गया तथा इसे, और ये पुनः सम्राट बन गया और इसे पुनः सम्राट घोषित किया गया। तो इस प्रकार से छात्रों एक बार पुनः ये जो फ्रांस का शासक बन गया, और फ्रांस का शासक बनने के बाद में अपनी पराजय का बदला लेने तथा फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने पुनः विजय अभियान प्रारंभ करने शुरू करे, और इसने वाटरलू युद्ध, अब इसका जो युद्ध होता है छात्रों वो होता है वाटरलू का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों, वाटरलू का युद्ध होता है 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध मैदान में नेपोलियन को प्रसा के सेनापति ब्लूचर, जो नेपोलियन को प्रसा का सेनापति, प्रसा देश है इसका सेनापति है, प्रसा देश का सेनापति कौन है छात्रों, वो है ब्लूचर, प्रसा देश के सेनापति ब्लूचर नेपोलियन को पराजित कर देते हैं, नेपोलियन को पराजित कर देते हैं। और इस प्रकार से वाटरलू के युद्ध के अंदर ये नेपोलियन क्या होता है, पराजित हो जाता है। तो छात्रों इस प्रकार इसने क्या किया कि जब ये लिपजिंग के युद्ध के अंदर पराजित हो गया था अक्टूबर 1813 में, और इसे एल्बा द्वीप में भेज दिया था, परंतु ये हताश नहीं हुआ, और इसने पुनः 1815 में
एल्बा द्वीप से भागकर पेरिस पहुंचा और पेरिस में इसने फ्रांस के सम्राट का पद धारण किया। परंतु छात्रों, फ्रांस का सम्राट ये बना, फ्रांस का सम्राट बनने के बाद में इसने पुनः विजय अभियान अपना, अर्थात उन्हें युद्ध प्रारंभ किया फ्रांस की पराजय का बदला लेने के लिए। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए इसने आक्रमण शुरू किए और वाटरलू का युद्ध, जो वाटरलू का युद्ध होता है छात्रों 18 जून 1815 ईस्वी में होता है। कब होता है छात्रों? 18 जून 1815 ईस्वी में। इसमें जो प्रसा के सेनापति है, प्रसा देश के सेनापति है ब्लूचर, कौन है छात्रों? ब्लूचर। ब्लूचर क्या करते हैं? नेपोलियन को पराजित कर देते हैं और नेपोलियन पराजित हो गए। यहाँ से नेपोलियन पराजित हो जाता है और नेपोलियन यहाँ से भागकर कहाँ पहुंचता है? पराजित नेपोलियन कहाँ पहुंचेगा? पेरिस के अंदर पहुंचता है, पेरिस में पहुंचता है। परंतु पेरिस की जनता इसका सहयोग नहीं करती है इस बार, और ये पेरिस से अमेरिका भागने की कोशिश करता है। पेरिस से कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है छात्रों? अमेरिका। तो पेरिस की जनता सहयोग नहीं कर रही है और अब ये कहाँ भागेगा छात्रों? अमेरिका में ये भागने का प्रयास कर रहा है। परंतु इसे अंग्रेज पकड़ लेते हैं, अर्थात जो इंग्लैंड के सैनिक हैं, जो अंग्रेज कहलाते हैं, इंग्लैंड के सैनिक इसे पकड़ लेते हैं और इसे पकड़कर सेंट हेलेना द्वीप, कौन सा द्वीप छात्रों? सेंट हेलेना द्वीप में भेज देते हैं। इसे पकड़ लिया जाता है और सेंट हेलेना द्वीप में इसे बंदी बना लिया जाता है और 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु होती है नेपोलियन की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो नेपोलियन है, नेपोलियन का उदय होता है और नेपोलियन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म होता है। ये इसका जन्म स्थान है कोर्सिका द्वीप। इसके पिता का नाम, अर्थात जो नेपोलियन, इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, माता का नाम लेटीजिया है। नेपोलियन बोनापार्ट जो ब्रियन के सैनिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बाद में ये पेरिस के सैनिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है और नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट को सेना में 1785 ईस्वी में लेफ्टिनेंट का पद प्रदान किया जाता है। और लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त करने के बाद में इसकी योग्यता को देखते हुए इसे तूलों का घेरा, लेफ्टिनेंट बनने के बाद में इसकी योग्यता को देखते हुए तूलों का घेरा युद्ध में इसे भेजा जाता है। इस युद्ध में नेपोलियन द्वारा 1793 ईस्वी में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन दिखाया जाता है। इसके बाद में जो नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में, कौन सा युद्ध छात्रों? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में छात्रों जो पिरामिड का युद्ध, जो तूलों के घेरे के बाद में पिरामिड के युद्ध में वे विजय प्राप्त करता है, मिस्र को पराजित करता है, उसकी राजधानी कायरा पर अधिकार करता है, सीरिया पर अधिकार करता है। उसके बाद में 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का राष्ट्रतिलक होता है। कब होता है छात्रों? 1804 ईस्वी में इसका राष्ट्रतिलक होता है और उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिज का युद्ध लड़ता है, उसमें विजय प्राप्त करता है। मेरिगो का युद्ध होता है, उसमें विजय प्राप्त करता है। जर्मनी को ये पराजित करता है तथा जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर भी ये अधिकार कर लेता था। और इस प्रकार ये विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट को पराजय का सामना भी करना पड़ता है लिपजिंग, जिसे राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। लिपजिंग का युद्ध, जो राष्ट्रों के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, अक्टूबर 1813 में लड़ा गया है। इसमें ये क्या होता है? पराजित हो जाता है। इसके बाद में इसे एल्बा द्वीप पे बंदी बनाकर रखा जाता है। एल्बा द्वीप से नेपोलियन भागकर पुनः पेरिस पहुंचता है, जहां पेरिस की जनता इसका स्वागत करती है। एक बार पुनः सम्राट बनता है और अपनी पराजय का बदला लेने तथा फ्रांस के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये पुनः निकलता है, जिसमें वाटरलू का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध छात्रों? वाटरलू का युद्ध। जून 1815 में प्रसा देश के सेनापति हैं ब्लूचर नेपोलियन को पराजित कर देते हैं तथा नेपोलियन भागकर उन्हें पेरिस आता है। पेरिस की जनता इसका समर्थन नहीं करती है। तब नेपोलियन भागकर अमेरिका
की तरफ जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, परंतु इसे अंग्रेज पकड़ लेते हैं और सेंट हेलेना द्वीप में इसे बंदी बना लेते हैं तथा सेंट हेलेना द्वीप में 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से छात्रों, ये नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, परंतु जो इतना महान शासक होते हुए भी नेपोलियन बोनापार्ट इनकी पराजय क्यों हुई छात्रों, इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे।